नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अकील और आप देख रहे हैं एडवांटेजर टेक्नोलॉजी चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों फिशिक्स समर्सिबल मोटर का पंप, और वो भी दोस्तों ब्रांडेड कंपनी का है, शक्ति का पंप है। तो आज दोस्तों हम शक्ति का पंप रिपेयर करने वाले हैं। तो आप ये जो वीडियो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ जुगाड़ भी किया है, तो आपको वो समझ में आएगा। जुगाड़ इसलिए किया है क्योंकि जो उसकी कॉस्ट हो रही थी वो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, वो हमें अपने दिमाग से उसको कम कॉस्ट में कर दिया, उसको यानी कि कम खर्चे में पंप हमने रिपेयर कर दिया। आप जानते हो कि शक्ति की जो मोटर होती है वो बहुत ही कॉस्टली, हाई कॉस्टली होती है। हम उसको रिपेयर अभी मोटर जो है, सभी लोग जो हैं शक्ति की मोटर तो आसानी से ले लेते हैं, जो कि 35,000 हो या फिर 40,000 हो तो आसानी से ले पाते हैं। लेकिन उसको जो रिपेयर करने की बात आती है तो लोग भाग जाते हैं, और उसके जो पूरा अमाउंट है वो हम पे नहीं कर पाते। जब उसका बिल जो होता है 10,000 से 12,000 तक बिल हो जाता है, तब वो क्या करते हैं तो वो पंप को रिपेयर करना छोड़ देते हैं और पैसे जुटाने में लग जाते हैं। तो यानी कि दोस्तों नई मोटर लेना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको रिपेयर करना ये आसान काम नहीं है लोगों के लिए। तो इसलिए दोस्तों हमें कभी कभी जुगाड़ करना पड़ता है, तो हम कर लेते हैं बहुत सारी मोटर के अंदर। तो शक्ति का मोटर तो देखने में तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। तो इसकी जो मोटर आती है वो 18 स्लॉट में आती है, और इसका पंप जो होता है क्या नहीं तो हमारे यहाँ बहुत ही सी कम मोटर है ब्रांडेड कंपनी की। तो ये पहली मोटर आ चुकी है शक्ति की जो ब्रांडेड कंपनी की है। तो मुझे भी लगता था कि इसमें थोड़ा सा मतलब बहुत दिक्कत आ जाएंगी रिपेयर करने, लेकिन इतनी आसान मोटर है कि आप पूछो मत। इतने आसान पंप रिपेयर काम करना है इसका, इतना आसान है कि बहुत आसान है। तो इसको हमने कुछ दिक्कत भी नहीं आई, बहुत ही आसानी से हमने इसको रिपेयर कर दिया था। आज दोस्तों आप इस वीडियो में देख पाओगे कि हमने इसको किस तरह इसको पंप के हमने बना दिया है, और आप कुछ नया सीखने को सीख पाओगे इस वीडियो से। तो दोस्तों मैंने फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ कि इसका प्रॉब्लम क्या था। तो मेरे पास कस्टमर आया और कस्टमर ने बताया कि ये जो मोटर है हमारे, तो स्टार्टर तो ऑन होता है, लेकिन स्टार्टर थोड़ी देर स्ट्रिप भी नहीं होता और कुछ भी नहीं, ऑन रहता है और पानी भी नहीं आता। तो ये उनका प्रॉब्लम था। तो मैं वहाँ पे गया मोटर चेक करने के लिए, तो मोटर चेक किया तो मोटर एम्पीयर ले रही 7 से 8 एम्पीयर ले रही। तो मेरे दिमाग में से झट से सवाल आया, तो ये मोटर जो है एम्पीयर लेना चाहिए 15 से 16, तो ये 7 से 8 एम्पीयर क्यों ले रही? तो इसका कारण ये है कि ये मोटर एम्प्टी घूम रही है, क्योंकि जब मोटर एम्प्टी घूम रही होती है उस पर कोई लोड नहीं रहता, तब ये 7 से 8 एम्पीयर ले लेती है। तो मैंने सोचा इसका शाफ्ट टूट गया होगा। तो इस इरादे से हमने उस मोटर को निकाला और देखा तो क्या हुआ, तो मेरे पास आपको मैं उसकी इमेज नहीं ले पाया, और आपको ये भी दिखा नहीं पाऊंगा कि ये मोटर मैंने किस तरह खोला, क्योंकि मैंने पहली बार काम किया तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो मुझे उस पंप को ठीक से देखना चाहिए था कि वो पंप किस तरह का, मतलब किस तरह हमने, जिस तरह हमने निकाला उसी तरह हमने जोड़ देना। तो पूरा जो दिमाग है हमें उस पंप में लगाना था कि इसमें कुछ नया तो नहीं है, इसलिए मैंने दोस्तों वो स्किप किया। अभी डायरेक्टली मैं आपको पंप बनाते कैसे हैं वो बड़ी आसानी से मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है, तो दोस्तों हमने मोटर को निकाला, तो मोटर को निकालने के बाद मैंने देखा कि उसका शाफ्ट टूटा नहीं हुआ था। तो उसका प्रॉब्लम ये था कि उसका जो थ्रेड रहता है मोटर का, तो आप देख सकते हो ऐसे थ्रेड होते हैं मोटर के, तो ये जो थ्रेड है वो मोटर के जा चुके थे, पूरे घिस चुके थे। और दूसरी बात, जो ये जो थ्रेड है वो शक्ति मोटर के तो पूरे घिस चुके थे, और शाफ्ट पूरा फेल हो चुका था क्योंकि इसकी थ्रेड ही पूरे खराब हो चुके थे। तो इसका शाफ्ट कहीं टूटा नहीं हुआ था, लगभग ज़्यादा मोटर का शाफ्ट टूट जाता है, लेकिन इसका शाफ्ट नहीं टूटा, इसके थ्रेड खराब हो गए थे। तो थ्रेड खराब हो चुके तो क्या करना होता, हमें मोटर के भी थ्रेड खराब हो चुके थे और पंप के भी थ्रेड खराब हो चुके। ये मेरे पास कपलिंग है, आप देख सकते हो इसके जो थ्रेड है वो अंदर के पूरे घिस चुके हैं, इसके अंदर कोई थ्रेड बचा नहीं है। तो ये जो कपलिंग है, तो ये शाफ्ट है मोटर का, इसके ऊपर भी शाफ्ट रहता है, ये सिर्फ कपलिंग है उसका। तो ये जो थ्रेड है उसके खराब हो चुके थे, और यही उसका प्रॉब्लम था। तो मोटर तो अच्छी कंडीशन थी, मोटर एम्प्टी घूम रही थी, और थ्रेड खराब होने के कारण पंप को घुमा नहीं पा रही थी, तो ये इसका प्रॉब्लम था। ठीक है, तो अभी क्या करना है, तो मैंने पूरे मोटर को खोल दिया। अभी हमें ज़रूरत है कि पूरे शाफ्ट को चेंज कर दें पंप के, और उसके मोटर को थ्रेड बना लें, लेकिन इसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसलिए हमें वो नहीं करना पड़ा, मैं वो नहीं किया। तो मुझे कुछ जुगाड़ लगाना था, आप देख सकते हो मैंने इस तरह कुछ जुगाड़ लगा दिया है इस मोटर। तो ये जो रोटर है हमारे वो शक्ति कंपनी के मोटर का है, और यहाँ पे हम बेरिंग लगाते हैं, और आप सीधे देखिए यहाँ पे हमने जुगाड़ लगा दिया है। इसके पूरे थ्रेड हमने निकाल के इसको एक पिन की मार्किंग कर दी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे पुरानी कपलिंग है जिसके थ्रेड पूरे जा चुके हैं, आप देख सकते हो। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, जो इसके थ्रेड पूरे जा चुके हैं आप देख सकते हो।
और आप ये दोनों कपलिंग देख सकते हो, ये जो पुरानी है और ये नई है। तो ये नई हमने लेथ मशीन के ऊपर बनाए है इसको। तो इस तरह से हमने पूरा शाफ्ट बना दिया है। तो आप देख रहे हो ये जो है एम्प्लेयर के ऊपर का गार्ड है जो कि आउटसाइड बॉडी पर होता है, और ये जो है एम्प्लेयर जिसको हम हंडी एम्प्लेयर कहते हैं जो कि हंडी की तरह दिखता है। आप देख सकते हो इसका इंटरफेस किस तरह दिखता है। ये एम्प्लेयर फिटिंग किस तरह होता है आप देख सकते हो, इसके अंदर कुछ इस तरह ये चीज़ है जो ये शाफ्ट को पकड़ के जाम रखती है और एम्प्लेयर नीचे नहीं आता या फिर ऊपर नहीं जाता। एक बार आप कहीं पर भी इसको शाफ्ट के ऊपर फिक्स कर सकते हो इस बोल्ट की मदद से। तो आप यहाँ पे दो एम्प्लेयर देख सकते हो, तो इसके अंदर कुछ नहीं है और इसके अंदर हमने ये चीज़ लगा दिया है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और ये शाफ्ट आप पूरा देख सकते हो, ये पूरा प्लेन है। और इस शाफ्ट को इसके अंदर हम किस तरह फिक्स कर सकते हैं आप देख सकते हो, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये पूरा जो शाफ्ट है पूरा प्लेन है। इसको कहीं पर भी एम्प्लेयर को पकड़ने के लिए जगह नहीं है। तो इस एम्प्लेयर को हम इस शाफ्ट के अंदर डालेंगे। तो आप देख सकते हो एम्प्लेयर घूम रहा है और इसको कहीं पर भी आप सेट करके इस नट जो कहते हैं, इसको जो बोलट कहते हैं, इस बोलट को घुमा के आप कहीं पर भी इसको फिक्स कर सकते हैं। सिम्स और स्लीव की इस शाफ्ट को कोई ज़रूरत नहीं है पंप बनाने में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, उसकी सेटिंग जो रहती है एम्प्लेयर की, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेटिंग। अगर आप सेटिंग में पूरा फेल हो जाओगे तो आप एम्प्लेयर पूरा पंप फेल हो जाएगा। इसको ऐसा नहीं कि पूरे एम्प्लेयर ढकल दिया और उसको फिट कर दिया तो चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ ये क्या बात होती है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी होती है कि हमें क्या करना चाहिए पंप को, आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा। अब दोस्तों मैं जो पंप बनाने वाला हूँ उस पंप की एम्प्लेयर नहीं है, तो मैं सिर्फ सेटिंग दिखाने के लिए इस एम्प्लेयर को मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ मैं इसका क्या होता है। ये जो होता है ऊपर का गार्ड रहता है, ठीक है, और ये जो रहता है ये एम्प्लेयर रहता है। ये जो एम्प्लेयर है यहाँ से पानी खींचता है और यहाँ से आउटपुट दे देता है, यहाँ से पानी बाहर आता है और यहाँ से पानी खींचता है। तो ये किस तरह होता है, और पानी जो खींचने की जगह रहती ये रहती है, और ये जो रहता है ये इसके अंदर इस तरह फिट होता है नॉर्मल सा इस तरह, क्योंकि इसको पानी यहाँ पर पानी आएगा तो ये एम्प्लेयर यहाँ से खींचेगा और यहाँ से आउटपुट देने के बाद हम दूसरा इसके ऊपर ये गार्ड लगाएंगे। तो ये गार्ड, ये जो पानी यहाँ से आ रहा तो इस गार्ड के अंदर चला जाएगा और फिर से यहाँ से आएगा, और यहाँ आने के बाद फिर से हम इसको एम्प्लेयर को यहाँ पर लगा देंगे। अब हमें करना क्या है, जो इन दोनों गार्ड के बीच में जो एम्प्लेयर जो है ए एम्प्लेयर, हमें ना ऊपर घिसना है और ना नीचे घिसना है, तो हमें इसके बीचों बीच रखना है। ये जो 5 mm का ऊपर नीचे दिख रहा है हमें, ये 5 mm का, ये जो है इस पंप की सेटिंग कहते हैं इसको। ये अगर आपकी सेटिंग ये एम्प्लेयर नीचे गया तो नीचे घिस जाएगी, नीचे घिसेगा और ख़राब होगा, और ये ऊपर घिसेगा तो ये ऊपर भी घिस के खराब हो जाएगा। फिर इस एम्प्लेयर को हमें किस तरह लगाना है, चाहे आप सिम से लगाओ या फिर आपके पास जो भी कोई तरीका है, तो उस तरीके से आपको क्या करना है, ना नीचे घिसना है और ना ऊपर, तो इसको बीचों बीच रख देना है इस तरह, सिर्फ इतना रख देना है इसको बीचों बीच। तो ये इसका पंप का सबसे मेन पार्ट है। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से एक बार बता देता हूँ, ये हमने पूरे एम्प्लेयर फिट कर दिया। तो ये देखिए इसकी जो सेटिंग रही, ये इसकी सेटिंग, और जब आप लास्ट में पंप बनाते हो और जितना ऊपर नीचे होता है इस तरह, तो उतना पंप आपका अच्छा बन गया ये हम मान लेंगे। अगर ये कुछ भी नहीं हो रहा आपका ऊपर नीचे पंप, तो आप समझ लीजिए कि आपका पंप पूरा फेल हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे ये देख लीजिए हमारा ये हुआ गार्ड, ठीक है, ये जो है हमारा गार्ड है और गार्ड के बीच में हमारा जो है ए एम्प्लेयर है, ये इसके अंदर का एम्प्लेयर है। ये जो एम्प्लेयर है इस गार्ड के बीच में ना ऊपर घिस रहा है और ना नीचे घिस रहा है, इसको बीच बीच रखना है। अब हमारा दूसरा गार्ड है, गार्ड यानी कि दोस्तों ये जो गार्ड है हमारा, ये दूसरा गार्ड हुआ, इसके ऊपर हमने फिर सेट कर दिया, तो इसके बीच बीच एम्प्लेयर रखना है। अब हमने ऊपर एक गार्ड सेट कर दिया इसके ऊपर, तो इसके भी बीचों बीच एक एम्प्लेयर रहेगा। ठीक है, तो अभी एक इसके ऊपर एक गार्ड सेट कर देता हूँ, तो इसको बीचों बीच एम्प्लेयर रख देना है। और ये जो हुआ एम्प्लेयर का टोटल शाफ्ट हुआ, तो ये जो शाफ्ट है तो टोटल एम्प्लेयर का ए शाफ्ट हुआ। अगर एक एम्प्लेयर नीचे घिसेगा तो सब नीचे घिसेगा, तो अभी ऐसा नहीं करेंगे हम। तो हमें इस तरह इसकी सेटिंग कर दी नहीं कि जो भी एम्प्लेयर है इस गार्ड के बीचों बीच रहना चाहिए। अभी इस मान लीजिए अगर ये हमारे पास एक मोटर है,
ठीक है, तो मैं ठीक से बना नहीं पा रहा हूँ, कॉपीराइट आएगा, इसलिए मैं प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो है मोटर का शाफ्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये जो मोटर का है शाफ्ट, तो हमें इस शाफ्ट के ऊपर इस शाफ्ट को सेट कर देना है, इस शाफ्ट के ऊपर इस शाफ्ट को सेट कर देना है, और ये जो है नट बोल्ट के ऊपर ये सेट होगा। ठीक है, ये हमारी रही मोटर, इस मोटर के ऊपर ये रहा पंप, और आप देख सकते हो ये जो शाफ्ट है मोटर का, इस शाफ्ट के ऊपर हमने एम्पलियर इस तरह सेट कर दिए, ये जो एम्पलियर है इस गार्ड के बीचों बीच है, ये ना नीचे घिस रहा है और ना ऊपर घिस रहा है, और यहाँ पे 1 2 3 यानी कि ये हुआ 3 का पंप, ये कितना 3 स्टेज का पंप हुआ। तो ये बात हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, अगर ये एम्पलियर नीचे घिस रहा है तो एम्पलियर ज़्यादा बढ़ेगा, और ऊपर भी घिस रहा है तो एम्पलियर ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखाया, तो ये जो मैंने एग्जांपल के लिए आपको दिखाया, तो ये है विपुर समर्सिबल मोटर की गार्ड, बस एग्जांपल के लिए हम इसका काम नहीं करने वाले, तो इसको कहते हैं गार्ड और इसको कहते हैं एम्पलियर। ठीक है, तो अब हम इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, ये रही हमारी मोटर, तो हमें ये रहा पंप का शाफ्ट और ये रहा मोटर का शाफ्ट, तो हमें मोटर के जो पंप का शाफ्ट रहता है वो इस तरह सेट कर देना है कि ये जो एम्पलियर है बीचों बीच इसको रख देना है। आपको इस शाफ्ट के बीच में आप कुछ भी डालो तो आपको कोशिश करने की ये जो एम्पलियर है, ये जो गार्ड है, गार्ड के बीचों बीच रहे, क्योंकि ये पानी यहाँ से खींचेंगे और यहाँ पे आउटपुट देगा, और ये आउटपुट देने के बाद ये एम्पलियर यहाँ फिर से खींचेगा, इस तरह इसका जो हेड रहता है वो इसी स्टेज से बढ़ाया जाता है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए मेरी इस एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल को, और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए पंप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम ए पिन इसमें लगाएंगे यहाँ पे, जिसको हम कपलिंग पिन कहते हैं। तो ये जो शाफ्ट है हम इसके अंदर लगा लेते हैं, ये पंप का शाफ्ट है, और इसके इस बात का ध्यान देना है कि इसके अंदर की जो कपलिंग पिन है वो अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए, नहीं तो मोटर एम्प्टी घूम सकती है। और ये पंप का जो आईपी है, फिर इसके ऊपर अच्छी तरह से इसको सेट कर देते हैं नट बोल्ट से। आप देख सकते हो हमको इस आईपी को इस तरह अच्छी तरह से सेट कर देना है। अब इस आईपी को हम नट बोल्ट से इसको टाइट कर देते हैं। अब हम इसके पूरे नट बोल्ट टाइट कर देंगे, और एक बात का ध्यान रखना है हमने क्या किया है, तो पहले हमने शाफ्ट बिठाया है और फिर इसके ऊपर हमने एआईपी बिठाया है। अब शाफ्ट हमें आईपी के बीचों बीच दिखाई दे रहा है। पंप बनाने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर दी हुई हमें एक रबर रिंग, और इसके ऊपर हम क्या करने वाले, एम्पलियर बिठाने वाले हैं, तो इसकी थोड़ी सी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये जो एम्पलियर है इस तरह बैठ जाएगा, आप देख सकते हो, और हमें ये जो एम्पलियर है इस तरह बिठाना है, ना पूरा अंदर ढकेलना है और ना पूरा बाहर निकलना है, इसको बीचों बीच थोड़ा सा बीचों बीच रख देना है, आपको पंप बनाते वक्त आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये नीचे घिस जाता है और ये ऊपर खींचने के बाद ऊपर घिस जाता है, तो इसको बीचों बीच रखना अच्छा होगा। तो ये पंप का शाफ्ट आप देख सकते हो, ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा प्लेन है, और इस बोलट की मदद से हम एम्पलियर को कहीं पर भी शाफ्ट के ऊपर सेट कर सकते हैं, इसको स्लीव की और सिम्स की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये सबसे इसकी खास बात है इस पंप की। तो चलिए हम दोस्तों पहला एम्पलियर इसके ऊपर अच्छी तरह से इसको सेट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस एम्पलियर को, पहला जो एम्पलियर है इसको यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से हम ऑयल लगाते हैं, ताकि हमारा जो चेक नट जो होता है इसका एम्पलियर का, वो अच्छी तरह से हम इसको टाइट कर सकें। पहले एम्पलियर की सेटिंग करते वक्त दोस्तों हमें एक रबर वाइसर की ज़रूरत है, क्योंकि हमें सेटिंग अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रही, तो इस रबर वाइसर को हम इस एम्पलियर को निकाल के यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, क्यों इसका पुराना रबर रिंग जो है वो खो गया है, इसलिए हमको यहाँ पर एक रबर रिंग कौन से भी आईपी से निकाल के बिठाना होगा, ताकि हम इसकी सेटिंग एम्पलियर की अच्छी तरह से देख पाएंगे।
तो इस बुलेट को हम घुमा के यहाँ पर इस एम्पलियर को हम फिक्स कर देंगे। इसको जब हम बुलेट को टाइट करते हैं तो एम्पलियर ये शाफ्ट के ऊपर फिक्स हो जाता है। एम्पलियर फिक्स करते वक्त हमें इस बात का ध्यान देना है, जो एम्पलियर की जो सेटिंग रहती है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमें ना नीचे और ना ऊपर, बराबर हमको बीच में रख देना है। इसको बराबर हमने इस एम्पलियर को बीच में रख दिया, आप देख सकते हो आपको 2-3 mm की जगह ऊपर दिख रही है, तो टोटल आपको 5 या 6 mm की जगह मिल जाएगी एम्पलियर की। तो इस पाने की मदद से हम इस चेक नट को जो है हम उसको टाइट कर देंगे, ताकि एम्पलियर हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो हमारा पहला वाला एम्पलियर है वो यहाँ पे फिक्स हो चुका है और ये अच्छी तरह से हमने सेटिंग भी कर दिया है। उम्मीद है कि ये जो एम्पलियर है वो नीचे भी नहीं घिसेगा और ऊपर भी नहीं घिसेगा, इस तरह हमने इसको सेट कर दिया है। तो अब बारी है तो हम इसकी एम्पलियर के ऊपर हम इसका गार्ड बिठा देंगे। ये रहा गार्ड और ये बिठा दिया हमने इस एम्पलियर के ऊपर और इसको अच्छी तरह से फिट कर देंगे। अब हम डालते हैं सेकंड वाला एम्पलियर और उसको बैठाते हैं ए चेक नेट, और इस चेक नेट की मदद से हम इसको कहीं पर भी हमें अच्छी तरह से सेटिंग लगा के इसको फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है, इसको ना नीचे ज़्यादा ढकेलना है और ना ऊपर ज़्यादा खींचना है, इसको बराबर हमें बीचों बीच रख देना है। आप देख सकते हो इसकी सेटिंग, तो हमने सेट कर दिया एम्पलियर जहाँ पे हमने सेट करना था और इस चेक नट को हम टाइट करके इसको इस एम्पलियर को इस शाफ्ट के ऊपर फिक्स कर देते हैं। तो एम्पलियर तो हमने सेट कर दिया, अब बात आती है गार्ड की, तो इसके ऊपर हमें सेकंड वाला गार्ड भी इसके ऊपर हम सेट कर देते हैं। तो अब बारी आती है थर्ड नंबर एम्पलियर की, तो थर्ड नंबर एम्पलियर हम अच्छी तरह से इसको सेट कर देते हैं इस चेक नट की मदद से, इसको यहाँ पे टाइट कर देते हैं। फिर से हमें यही बात का ध्यान रखना है कि ये जो एम्पलियर है अच्छी तरह से सेट कर देना है, ताकि ये जो एम्पलियर है नीचे ना घिस सके और ये ऊपर भी ना घिस सके। अब देखते हैं ये एम्पलियर फ्री है या नहीं। तो अब बारी आती है थर्ड नंबर गार्ड की, तो इसको भी हम अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट कर देते हैं। तो अब बारी आती है चौथे नंबर एम्पलियर की, तो इसको भी हम अच्छी तरह से सेटिंग लगा के इसके ऊपर सेट कर देते हैं। फिर से एक बार यही बात का ध्यान रखना है कि ये जो एम्पलियर है ना नीचे घिसे ना ऊपर, तो इसी तरह हम इसको सेट कर देंगे। तो इस चौथे एम्पलियर को यहाँ पर हम टाइट कर देते हैं इसको। आप देख सकते हो ये जो पंप है टोटल फ्री है, ये एम्पलियर जो है घूम रहा है। फिर से एक बार आपको हम बता देते हैं कि ये जो एम्पलियर का जो आप दिख रहा है यहाँ पे, मैंने इसको आधा नीचे और आधा ऊपर रख दिया है। तो इस तरह हमें एम्पलियर सेट कर देना होता है। तो अब बारी आती है चौथे नंबर एम्पलियर की गार्ड की, तो इसको हम अच्छी तरह से सेट कर देते हैं और ये पूरी तरह से ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। अब लगाते हैं इसके ऊपर का पाँचवा एम्पलियर। तो आप देख सकते हैं इस गार्ड का ऊपर का जो हिस्सा है आपको इस तरह दिखने लगेगा। अब बताते हैं इसके ऊपर एम्पलियर पांचवा। तो ये आ गया हमारा पांचवा एम्पलियर, तो इसको भी अच्छी तरह से सेटिंग हम लगा देते हैं। वो भी सेटिंग इस तरह लगाएंगे, ना नीचे घिसेगा ना ऊपर। तो इस एम्पलियर की सेटिंग आपको यहाँ पर देखनी होती है, ये आधा हमने अंदर डाल दिया है और आधा ऊपर रख दिया है। तो अब इस पांचवें एम्पलियर को हम यहाँ पे इसको टाइट कर देते हैं। ये तो एम्पलियर घूम रहा है, यानी कि हमारी सेटिंग अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब बारी आती है दोस्तों हमारे पांचवें नंबर गार्ड की, तो ये हमने पांचवा नंबर गार्ड बिठा दिया और ये बिल्कुल आसानी से बैठ चुका है। तो दोस्तों हमने टोटल 5 एम्पलियर इसके अंदर बिठा दिए हैं और 5 गार्ड हमने फिक्स कर दिए हैं। अब बारे आती है दोस्तों छठे नंबर एम्पलियर की, तो ये छठा नंबर एम्पलियर हमने इस शाफ्ट के अंदर डाल दिया है और इसको हम यहाँ पे इसको सेट कर देंगे, ना ऊपर ना नीचे, इसको बीच में बराबर सेट कर देंगे और इस चेक नट को हम यहाँ पे टाइट कर देते हैं, ताकि हमारे एम्पलियर यहाँ पे फिक्स हो जाए।
फिर से एक बार दोस्तों मैं आपको जो इसका मेन पार्ट है इस पंप का वो दिखा रहा हूँ। ये जो एम्पलीटर देख लीजिए आप, ये ऊपर कितना नीचे ऊपर वर्किंग होता है देख लीजिए, ये इतना ऊपर नीचे हो रहा है, लगभग 6 mm का ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो हमें ना ऊपर ना नीचे इसको बीचों बीच इसको सेट कर देना है। तो इस एम्पलीटर को हम राइट यहाँ पे इसको सेट कर देंगे, ना वो ना ऊपर और ना नीचे, तो यहाँ पे बीचों बीच इसको सेट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा एम्पलीटर यहाँ पे टाइट। तो इसको हमने इस शाफ्ट के ऊपर यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। तो इस छठे नंबर एम्पलीटर के ऊपर हमने छठा नंबर गार्ड भी बटा दिया। तो हमने अब ये लगा लिया 7वें नंबर का एम्पलीटर और इसको हम यहाँ पे अच्छी तरह से सेटिंग लगा के सेट कर देंगे। तो इस 7वें नंबर एम्पलीटर को हम यहाँ पे इसको अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। तो अब लगा लेते हैं हम इस 7वें नंबर एम्पलीटर का गार्ड और ये भी अच्छी तरह से यहाँ से बैठ चुका है। तो अब बारी आती है 8वें नंबर एम्पलीटर की। तो इसको भी हम अच्छी तरह से सेटिंग लगा के इसके ऊपर सेट कर देते हैं। तो हमने इस एम्पलीटर को यहाँ पे टाइट कर दिया है। तो फिर से एक बार इस एम्पलीटर के सेटिंग के बारे में बताते हैं। ये जो एम्पलीटर है हमने आधा अंदर और आधा ऊपर रख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके ऊपर लगा देते हैं हम 8वें नंबर एम्पलीटर का गार्ड। तो इसके ऊपर हमने गार्ड भी अच्छी तरह से लगा दिया और ये टोटल पूरी तरह से सेट हो चुका है। तो हमारे पास लास्ट 9 नंबर का एम्पलीटर बचा है जो कि हम इसके ऊपर सेट कर दिया है हमने। तो फिर से बात करते हैं इस एम्पलीटर की सेटिंग की। तो मैं इस एम्पलीटर को ऊपर नीचे करके आपको दिखाता हूँ। तो इस एम्पलीटर को हम ऐसे सेट करेंगे, ना ऊपर ना नीचे, बरोबर बीचों बीच इसको इस एम्पलीटर को हम सेट करेंगे। तो ये लास्ट एम्पलीटर जो है हमारा, इसको हम कर देते हैं इस पाने की मदद से टाइट। तो ये एम्पलीटर हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो 9 नंबर एम्पलीटर का ऊपर का गार्ड भी हम इसके ऊपर सेट कर देते हैं। तो हमारा पंप टोटल कंप्लीट होने को आया है। तो हमारा ये लास्ट पाइप है जो हम ऊपर पाइप जोड़ते हैं जहाँ से हमारा पानी का आउटलेट होता है। तो आप देख सकते हो ये जो पूरा पंप है, इस तरह हमारा पंप टोटल कंप्लीट होने को आया है। सब गार्ड एक मेक को जुड़ जाने के लिए हम इसके ऊपर इसको पट्टियां लगा देते हैं। तो ये बिठाने जा रहे हम सेकंड वाली पट्टी जो हमें आईपी को जोड़ के रखती है। तो हमने ये लास्ट वाली पट्टी भी बिठा दी, इसके ऊपर पंप को पूरा सेट कर दिया है। तो हम अब इस पंप के पूरी जो पट्टियां हैं वो हम टाइट कर देते हैं पानी की मदद से। तो हमारा टोटल पंप कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा टोटल पंप फ्री हो चुका है, ये घूम रहा है आप देख सकते हो। और इसकी सेटिंग जो है वो 2-3 mm की सेटिंग हो चुकी है,
ये देखिए ऊपर नीचे पंप हो रहा है, यानी कि हमारा पंप टोटल सही तरीके से बन चुका है। तो दोस्तों देखा आपने हमने किस तरह शक्ति का पंप बड़ी ही आसानी से इसको बना दिया है। इसको और अच्छा समझने के लिए और ज़्यादा वीडियो आएंगी आपके पास। फीपुर समर्सिबल मोटर का पंप आएगा, लाड़ा का पंप आएगा। सबसे जो डिफ़िकल्ट जो पंप मुझे अभी तक लगा वो लाड़ा का है। लाड़ा का पंप इतना डिफ़िकल्ट है, इसकी जो सेटिंग रहती है वो सिर्फ 2 mm की रहती है, और उसका जो जंग रहता है ना ऊपर का, तो जंग में ही 1.5 mm की सेटिंग रहती है, उस जंग में चला जाता है। हमें लास्ट में एक भी मतलब आधा भी 1 mm की सेटिंग नहीं मिलती आती। तो अभी तक दोस्तों मैंने CRI का पंप नहीं बनाया, अगर बनाऊँगा तो आगे से वीडियो आएंगी उसकी भी, बनाऊँगा तो आएंगी। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही ब्रांडेड कंपनी की मोटर बहुत ही कम है। तो दोस्तों उम्मीद है कि मुझे आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया हो तो दोस्तों इस वीडियो का आप सॉरी तो आप इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसको लाइक भी कर सकते हो, और इसको शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही मोटर राइडिंग के रिलेटेड वीडियो हमेशा ले आता हूँ, और भी जो भी एडवांटेज है जिससे आपका फ़ायदा होगा तो वो भी मैं बहुत सारी वीडियो लेके आता रहता हूँ। और बहुत सारा मुझे बहुत सारा यहाँ काम रहता है, तो ये मेरा कोई इनकम नहीं है इस यूट्यूब से। तो अगर मैं यूट्यूब का इनकम से अगर काम करने लगूँगा तो मैं भूखा मर जाऊँगा। मैं चाहूँगा मेरी जो इनकम है टोटल एक हफ्ते की वो है कितनी है, तो बहुत सारे यूट्यूबर नहीं बताते तो मैं भी नहीं बताऊंगा। इतनी इनकम है कि मैं सिर्फ दाढ़ी और कटिंग कर सकता हूँ, इतनी मेरे एक हफ्ते की इनकम है। एक हफ्ते में मैं दाढ़ी कटिंग कर सकता हूँ, इतनी एक हफ्ते की इनकम है। तो आप समझ लीजिएगा कितनी मेरी इनकम है। तो ये मेरा कोई ये जो मेरा जो पेट है वो कोई यूट्यूब पर चलने वाला नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दूंगा, वो भी आप लोगों के लिए। और मुझे बहुत सारा मतलब पब्लिक ही मुझे बहुत ज़्यादा पब्लिक में फेमस होना है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, मैं आप लोगों के नहीं ले तो मेरे लिए भी ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक हफ्ते में एक वीडियो बना देता हूँ, तो इसका यही कारण है। आप कितना भी चाहे फोर्स कर लो तो मैं मेरे रूटीन से ही मैं चलूँगा, ठीक है। लेकिन आप बता सकते हो कमेंट में जो भी कुछ आपके पास जो भी कुछ आपके मन में सवाल है तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हो, मुझे कोशिश करता हूँ मैं इसका आंसर आपको दे दूँगा। अगर दोस्तों आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझे बता देना, अगर आपके मन में कोई सुझाव भी हो कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो तो ये भी मुझे बता देना, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं हमेशा सीखता रहता हूँ आप लोगों के साथ ही। मैं ये भी YouTube इसलिए स्टार्ट कर लिया क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, तो मुझे बहुत कुछ आता है ऐसी बात नहीं, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। तो मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए आप मुझे सुझाव भी कर सकते हो कि यहाँ पे है ऐसा करेगा तो बेहतर रहेगा, ऐसा करेगा तो मैं अच्छी बात है, अगर 4 लोग बोलेंगे तो मैं समझ लूँगा और मेरे में वो इम्प्रूव कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।